हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल इन एवरीडे लाइफ, कि कोलाइड्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। तो इसके 10 to 11 एप्लीकेशंस हैं जो मैं डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, कोलाइडल सोल्यूशन का जो यूज है सबसे ज्यादा वो मेडिसिन के अंदर होता है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर यूज इन द कोलाइडल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एग्रीरोल यूज एज ए आई लोशन, आई लोशन में एज ए इस्तेमाल होता है जो कि सिल्वर का सोल है। इसी तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज होता है, हमें पता है एंट एसिड के लिए, जो कि इमल्शन की फॉर्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक, बेसिकली पेंसिलिन स्टेप्टोमाइसिन, इनका इस्तेमाल भी कोलाइडल सोल की फॉर्म में ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कोलाइडल सोल्यूशन हैं दे आर टू मच इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। और बात करें आर्टिफिशियल रेन के बारे में, आपने सुना होगा, तो हमें पता है जो क्लाउड्स हैं दे कैरी सम चार्ज, कोलाइडल पार्टिकल कोलाइडल फॉर्म में होते हैं जिसकी वजह से वो चार्ज कैरी करते हैं। और उसके अपोजिट चार्ज को अगर हम एरोप्लेन के थ्रू, जो अपोजिट चार्ज का सैंड है उसको अगर हम क्या करते हैं क्लाउड के ऊपर स्प्रेड करते हैं, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, आर्टिफिशियल रेन होती है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आर्टिफिशियल रेन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते नहीं है। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा की, आपने डेल्टा सुने होंगे, कब कब बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, जो रिवर और सी वाटर जब आपस में क्या होते हैं कॉन्टेक्ट में आते हैं। हमें पता है रिवर जो वाटर है कंटेन लार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ क्ले सैंड एंड मैनी अदर मेटीरियल्स, और जो सी वाटर इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्टोर हाउस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसे। दस रिवर वाटर कम इन कॉन्टेक्ट विद सी वाटर द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ रिवर वाटर गेट्स कोगुलेट, वो आपस में दोनों में क्या हो जाती है कोगुलेशन कर देते हैं, कोगुलेट ड्यू टू सी वाटर सी इलेक्ट्रोलाइट एंड सेटल डाउन फॉर्मिंग ए ह्यूज मास ऑफ सैंड नोन एज डेल्टा। तो ये डेल्टा की फॉर्मेशन हो जाती है, किनारे पे आप देख सकते हैं ये डेल्टास क्या बनते हैं, फॉर्मेशन बन जाती है, बड़े बड़े डेल्टास बनते हैं। तो कभी आपको सीबीएसई में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई डेल्टास आर फॉर्म्ड, तो आप कहेंगे ड्यू टू कोगुलेशन, कोगुलेशन की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसके बारे में डिटेल में आपको अपने पिछली वीडियोस जो कोगुलेशन फ्लक्चुएशन है वहां पे मैं एक्सपेरिमेंटली भी बता चुका हूँ। पोटाश अल्म मैंने डाला था, तो उससे क्या होता है जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो वाटर, अगर इम्प्योरिटी जो भी वाटर के अंदर है वो सारी नीचे बैठ जाएगी और आपको फ्रेश वाटर आफ्टर फिल्टर फिल्ट्रेशन मिल जाता है। तो अल्म का इस्तेमाल करते हैं हम प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। इसी तरह हमने एक और बात की थी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, काफी डिटेल में हमने स्टडी की थी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, द मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमने कोट्रल प्रेसिपिटेटर की बात की थी जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में चिमनी के साथ लगाया जाता है, जिससे कि जो स्मोक हम उसमें से पास होती है उसके स्मोक के अंदर जितने भी कार्बन पार्टिकल्स हैं या इम्प्योरिटीज हैं सैंड है वो सब के सब क्या होती है यहाँ पे सेटल डाउन हो जाती है और यहाँ से फ्रेश एयर क्या हो जाती है बाहर निकल जाती है, और जितने भी यानी कि कार्बन या डस्ट पार्टिकल वो नीचे यहाँ पे सेटल डाउन ऐश के फॉर्म में हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं उसे। तो स्मोक प्रेसिपिटेटर का हम इस्तेमाल करते हैं और ये सारा फिनोमिना हम पहले भी कर चुके हैं। फिर ये कुछ थोड़ा सा नया है आपके लिए, सीवेज डिस्पोजल कि हमें पता है आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो कैसे इसको करते हैं। जो सीवेज वाटर होता है स्टूडेंट दे कंटेन इम्प्योरिटीज होती हैं बहुत सारी, वो कोलाइडल फॉर्म में ही रहती हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सीवेज वाटर हम क्या करते हैं पास थ्रू द टनल विच इज फिटेड विद मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स एंड इज मेंटेन्ड एट हाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब हाई पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ गई, इसका मतलब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। द चार्ज पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सीवेज वाटर माइग्रेट टू द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेसिस विच एंड दे फॉर इम्प्योरिटीज कलेक्ट एट द इलेक्ट्रोड्स एंड दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन, और कोगुलेशन की वजह से इम्प्योरिटी आते हैं और वाटर जो हमारा फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज बाहर सेपरेट कर लिया जाता है। रबड़ इंडस्ट्री की बात करें स्टूडेंट, रबड़ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि जो रबड़ है हमारी वो कहाँ से मिलती है, हमें पता है लेटेक्स से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर ट्री। जो लेटेक्स इज एन इमल्शन, ये जो हमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कलेक्ट होता है वो इमल्शन की फॉर्म में कलेक्ट होता है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं बॉइल्ड करते हैं, बॉइल करने से वो कोगुलेट हो जाता है और उसके बाद हम उसके स्टूडेंट क्या कर देते हैं वल्केनाइजेशन करते हैं। वल्केनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, सल्फर की एडिशन कर देते हैं जब नेचुरल रबर के अंदर, इट बिकम्स हार्ड और इतना हार्ड हो जाता है कि हम इवन उसका इस्तेमाल करते हैं जो हमारी गाड़ियों के टायर बनते हैं, इबोनाइट्स की फॉर्मेशन होती है वो सब हम रबड़ इंडस्ट्री में के इस्तेमाल करते हैं,
क्यों? क्योंकि उसका कोलाइडल नेचर है, इमल्शन फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट आपने सुना होगा स्टूडेंट लेदर टैनिंग। लेदर टैनिंग क्या है? हमें पता है जो एनिमल हाइड्स होते हैं काफी सॉफ्ट होती है, आपने देखा होगा जैसे कोई भी एनिमल है उसकी जो स्किन है वो तो काफी सॉफ्ट है। अब उसका इस्तेमाल हम हार्ड लेदर बनाने में कैसे करें? वो तो बहुत सॉफ्ट है, उससे तो बेल्ट या फिर पर्स या बड़ी बड़ी चीज थोड़ी ना बन सकती, हार्ड जो होती है थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं उसके अंदर टैनिन डालते हैं। एक्चुअल में जो हाइड्स एनिमल एनिमल हाइड्स हैं दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल, वो कॉल पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल कहते हैं उसे हम। अब उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं स्टूडेंट? टैनिन डाल देते हैं। टैनिन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और यहां पे याद रखना एक वर्ड बहुत अच्छा इस्तेमाल हमने पहले भी लेक्चर में कर चुके हैं, म्यूचुअल कोगुलेशन। क्योंकि दो अलग अलग कोलाइड सॉल्यूशन आपस में जब मिलते हैं तो वहां पे म्यूचुअल यानी दोनों की कोगुलेशन होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? म्यूचुअल कोगुलेशन। तो यहाँ म्यूचुअल कोगुलेशन हो रही है। आज के टाइम में हम कुछ और कंपाउंड्स हैं जैसे एल्युमिनियम के, क्रोमियम के, उसका इस्तेमाल भी हम लेदर टैनिन में करने लगे हैं। पहले हम केवल टैनिन का इस्तेमाल करते थे। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में काफी डिटेल में पूरा लेक्चर दे चुका हूं। आपको पता है सोप के बाद दोनों दो पार्ट होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, जिसकी वजह से वो माइसेल्स की फॉर्मेशन करती है और माइसेल्स के थ्रू क्या होता है क्लींजिंग एक्शन होता है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे स्मोक स्क्रीन। आपने देखा होगा कहीं पे लड़ाइयों के अंदर धुआं स्मोक खड़ी कर देते हैं ताकि अपने जो अपोजिट में जो हमारे साथ एनिमी है उसको हम दिखाई ना दें। तो वार के अंदर बहुत ज्यादा स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। स्मोक स्क्रीन आर यूज टू हाइड समथिंग बाय ए लेयर ऑफ स्मोक। द स्मोक स्क्रीन आर आल्सो कोलाइडल सिस्टम इन विच पार्टिकल्स ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड, याद रखना TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, आर डिस्पर्स इन एयर, डिस्पर्स कर देते हैं उससे स्मोक खड़ी हो जाती है जिससे कि उसके पीछे क्या चीज है क्लियर नजर नहीं आती। अगला बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं व्हाई स्काई लुक्स ब्लू या ब्लू कलर क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है ब्लू कलर ऑफ स्काई, SKY आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ सनलाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ डस्ट डिस्पर्स इन एयर, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट की वजह से स्काई का कलर क्या होता है स्टूडेंट? ब्लू होता है। अब हम मेटलर्जी ऑपरेशन की बात करें तो मेटलर्जी के अंदर जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, उसको हम डिटेल में करेंगे। तो वहां मैं आपको फ्रोथ फ्लोटेशन कराने वाला हूँ। फ्रोथ फ्लोटेशन में जो पाइन ऑयल होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये क्या करता है जो कि सल्फाइड ओर्स होते हैं उसके साथ एक सोल्यूशन बना लेता है। तो वहां पर भी कोलाइड्स का इस्तेमाल होता है, इमल्शन की फॉर्मेशन हो जाती है और इन इमल्शन ऑफ पाइन ऑयल। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सल्फाइड्स के ओर की जब हम एक्सट्रैक्शंस करते हैं तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में, इंडस्ट्रियल लाइफ में, और जो हम बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस्तेमाल कर रही हैं वहां पे कितना ज्यादा है। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये सब पेपर पॉइंट से भी आपके क्या हैं इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एप्लीकेशन समझ आ गई होंगी, इनको आप याद करें अच्छी तरह। हर एक एप्लीकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन अलग से बनते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।